and welcome to 30 mein 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Ek aisa show jahan khabrein hongi fatafat, yani ek ke baad ek 30 khabrein. To intezar kis baat ka? Let's take a look. 30 mein 30. फिल्म बाहुबली 2 की कल रात रखी गई एक स्क्रीनिंग, जहां इस फिल्म के कुछ स्टार्स के साथ करण आलिया और सिद्धार्थ नजर आए। हम आपको बता दें, करण जौहर ने ये अनाउंस किया था कि विनोद खन्ना के सैड डिमाइज के बाद वो बाहुबली के बिग प्रीमियर को कैंसिल कर रहे हैं। 30 में 30 लेजेंडरी एक्टर विनोद खन्ना के फ्यूनरल पर बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऋषि और रणधीर कपूर, दिया मिर्जा, अर्जुन रामपाल, कबीर बेदी और गुलजार जैसे सेलेब्स नजर आए। 30 में 30 फिल्म गोलमाल 4 की टीम के दो मेंबर्स अजय देवगन और श्रेयस तलपड़े को स्पॉट किया गया मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ये दोनों ही स्टार्स गोलमाल की शूटिंग को कंप्लीट करके लौटे थे। 30 में 30 एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और कृति सानन अपने लिंकअप के रूमर्स को लेकर हैं काफी कूल। तभी तो अपनी फिल्म को प्रमोट करने जूम आए ये दोनों ही स्टार्स, लिंकअप की न्यूज पर हंसी मजाक करते नजर आए। इट वाज समथिंग दैट वी वर सॉर्ट ऑफ कंप्लीटली इग्नोरिंग एंड लाफिंग अबाउट एंड प्योरली एवरीथिंग ऑल द स्टोरीज दैट वर कमिंग आउट वर काइंड ऑफ पोस्ट वी हैड ऑलरेडी शॉट। Okay. We were dating and then I dumped you. You don't remember that. Well, somebody dumped somebody. 30 में 30 कटरीना कैफ का इंस्टाग्राम पर डेब्यू होने वाला था काफी अलग अंदाज में, लेकिन विनोद खन्ना की डेथ की न्यूज सुनकर कटरीना ने कैंसिल कर दिया अपना प्लान, जिसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने इस वीडियो के जरिए दी। 30 में 30 अक्षय कुमार को किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट, यहां अकी नजर आए कैजुअल अवतार में। ही वाज सीन स्पोर्टिंग अ ब्लैक टी, ब्लैक ट्रैक पैंट्स विद अ फ्लॉरी डिजाइन एंड व्हाइट स्नीकर्स। ही कंप्लीटेड द लुक विद ब्लैक सनग्लासेस एंड अ ब्लैक हैट। 30 में 30 लेटर ऑन द शो सलमान खान हुए इमोशनल। कटरीना कैफ मिली अपनी मॉम और सिस्टर सोनिया से। कटरीना का ये पिक शटरबग्स ने तब क्लिक किया जब कैट की मॉम और सिस्टर मुंबई स्ट्रीट पर कटरीना के साथ थे। आपको बता दें, कटरीना की पूरी फैमिली लंदन में रहती है, लेकिन उनकी मॉम अक्सर उनसे मिलने मुंबई आती हैं। 30 में 30 सलमान खान अपने नेक्स्ट द बैंक टूर की तैयारी में अभी से लग गए हैं, और सोर्सेस की माने तो सलमान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड उलिया सलमान से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि अपने सेकंड टूर पर वो उन्हें भी लेकर जाए और परफॉर्म करने का दे मौका। उलिया की इस रिक्वेस्ट पर सलमान खान ने अब तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दी है। 30 में 30 सलमान खान ने सोशल मीडिया पर दिया विनोद खन्ना को इमोशनल ट्रिब्यूट। सलमान ने फिल्म दबंग के सेट की ये पिक्चर शेयर करते हुए कैप्शन दिया, रेस्ट इन पीस विनोद खन्ना सर, यू विल रियली बी मिस्ड। सलमान खान विनोद खन्ना के साथ दबंग और दबंग 2 में काम कर चुके हैं और विनोद खन्ना के काफी क्लोज भी थे। 30 में 30 टेड 2017 कॉन्फ्रेंस में शाहरुख ने दिखाया अपना लुंगी डांस। इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान शाहरुख ने कई लाइफ से रिलेटेड लेसन्स दिए, लेकिन इस शाम की हाईलाइट रही शाहरुख का लुंगी डांस। 30 में 30 कटरीना कैफ के फैंस अब कटरीना से इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं इंटरेक्शन। कटरीना अब फेसबुक के बाद इंस्टाग्राम पर भी आ गई हैं। कैट ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की ये पहली पिक्चर विद अ कैप्शन, न्यू बिगिनिंग्स कमिंग फ्रॉम माय हैप्पी प्लेस हैशटैग हेलो इंस्टाग्राम। 30 में 30
जानवी कपूर की ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक इंटरनेट पर हो गई है वायरल. जानवी इज सीन फ्लॉन्टिंग हर सेक्सी बैक एंड शी इज लुकिंग सो हॉट. जानवी कपूर की पिक्चर्स इंटरनेट पर हो चुकी हैं पहले भी वायरल. आपको बता दे खबर है कि जानवी श्रीदेवी की फिल्म शिद्दत से करने वाली हैं बॉलीवुड में डेब्यू. 30 में 30. कैटरीना रणबीर ने साथ में स्पेंड किया क्वालिटी टाइम. वेल, कैटरीना रणबीर की फिल्म जग्गा जासूस के सेट से ये पिक्चर आई है सामने. इस बिहाइंड द सीन्स पिक्चर में कैटरीना रणबीर दिख रहे हैं एक साथ एक ही फ्रेम में. कैटरीना रणबीर के ब्रेकअप के बाद खबर थी कि इन्होंने फिल्म जग्गा जासूस के सेट्स पर एक दूसरे से बात तक करना बंद कर दिया था. ऐसे में इन्हें एक ही फ्रेम में देख कर इनके फैंस शॉली खुश हुए होंगे. 30 में 30. क्या यामी गौतम पुलकित की लाख कोशिशों के बावजूद अपने रिलेशनशिप को लेकर नहीं है श्योर? खबर आ रही है कि यामी पुलकित से दूरी बना रही हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पुलकित की नजदीकी उनके करियर को अफेक्ट कर रहा है. ऐसे में यामी बिजी होने का बहाना बनाकर आजकल पुलकित को कर रही हैं इग्नोर. 30 में 30. बिपाशा बासु और उनके हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर को नहीं मिल रहे हैं फिल्म्स के ऑफर. सोर्सेज की माने तो बिपाशा और करण दोनों ही पिछले कुछ समय से बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस जोड़ी पर बॉलीवुड का कोई फिल्म मेकर दाव लगाने के लिए तैयार नहीं है, जिसे लेकर ये दोनों ही स्टार्स हैं काफी परेशान. 30 में 30. खबरों की माने तो वरुण ने भले ही ये दिखा दिया था कि वो अपने बर्थडे के दिन फिल्म जुड़वा 2 के सेट पर शूटिंग कर रहे थे, लेकिन अब सोर्सेस से खबर आई है कि अपनी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ वरुण ने एक दिन पहले ही एडवांस में बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया था क्योंकि उन्हें पता था कि वो बर्थडे वाले दिन नताशा के साथ नहीं रहेंगे. 30 में 30. प्रियंका चोपड़ा ने भले ही बेवॉच ट्रेलर लॉन्च पर साफ कर दिया था कि वो अपने कमबैक बॉलीवुड फिल्म की डिटेल्स फिलहाल शेयर नहीं करेंगी, लेकिन कल रात संजय लीला भंसाली के ऑफिस से निकलते वक्त पीसी को किया गया स्पॉट और अब साफ हो गया है कि प्रियंका संजय की फिल्म से ही बॉलीवुड में करेंगी कमबैक. 30 में 30. सलमान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वेंटूर सलमान खान के साथ द बैंग टूर पर नहीं गई थी और इसे लेकर कई तरह की खबरें मीडिया में चल रही थी, लेकिन कल एक इवेंट पर पहुंची यूलिया ने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर दिया एक अलग ही जवाब. Because I was doing my work that point of time, I was shooting a video which will come very soon, somewhere abroad. I will not disclose the location yet. Yeah, so that time I was shooting for my own video with a very good artist. Coming soon. So, yeah, that's why. 30 में 30. सोनम ने की एक स्पेशल थ्रोबैक फोटो शेयर. इस फोटो में सोनम लग रही हैं काफी क्यूट और उनके साथ इस फोटो में नजर आ रहे हैं उनके कजिन अर्जुन कपूर. इस फोटो को शेयर करते हुए सोनम ने लिखा, सिंस इट्स थ्रोबैक थर्सडे आई थॉट आई'ड पुट द पिक्चर ऑफ माय ऑलमोस्ट ट्विन कजिन अर्जुन कपूर. इसके फोटो के साथ ही सोनम ने हाफ गर्लफ्रेंड के ट्रेलर का लिंक शेयर करते हुए फिल्म की प्रमोशन भी कर दी. 30 में 30. नो एंट्री की सीक्वल जाने वाली है ऑन फ्लोर. लास्ट ईयर सुनने में आया था कि इस फिल्म का सीक्वल हो गया था शेल्फ, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी ने एक रीसेंट इंटरव्यू में किया सीक्वल के न्यूज को कंफर्म. अनीस ने कहा, सलमान खान हैज लव्ड द स्क्रिप्ट ऑफ नो एंट्री में एंट्री. आई हैव अ ग्रेट रैपर विद हिम एंड इन दिस फिल्म ही विल बी सीन इन अ डबल रोल. आई डोंट नो वेयर द न्यूज ऑफ शेल्विंग इज कमिंग फ्रॉम. आई एम गिविंग द फाइनल टचेस टू द स्क्रिप्ट. 30 में 30. प्रिय
प्रियंका ने खुद को बताया संजय लीला भंसाली का फेवरेट। अब हम सब तो जानते ही हैं कि इतने सालों से दो बैक टू बैक सुपरहिट्स देने के बाद दीपिका ही रही हैं संजय की फेवरेट म्यूज। ऐसे में प्रियंका का ये कमेंट क्या दीपिका के लिए डायरेक्टेड था? हाल ही में खबर आई थी कि प्रियंका करने वाली हैं संजय के साथ एक फिल्म, और इसके बारे में बात करते हुए प्रियंका ने कहा कि उनकी संजय के साथ एक प्रोजेक्ट को लेकर बात जरूर चल रही है, लेकिन वो अभी इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर सकेंगी। 30 में 30। कटरीना कैफ का सोशल मीडिया पर किया सलमान ने वेलकम। कटरीना के इंस्टाग्राम ज्वाइन करते ही सलमान ने कटरीना को वेलकम करते हुए लिखा, प्लीज इंस्टेंटली वेलकम ऑन इंस्टा, द टाइग्रेस जिंदा है कटरीना कैफ। यही नहीं, अक्षय ने भी अपने ट्वीट के जरिए कटरीना को किया वेलकम। 30 में 30। ऋषि कपूर ने पूरे बॉलीवुड पर जमकर निकाला अपना गुस्सा। दरअसल विनोद खन्ना के फ्यूनरल में बॉलीवुड से काफी कम स्टार्स पहुंचे थे, और ये बात ऋषि जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने सोशल मीडिया पर जमकर सेलिब्रिटीज के खिलाफ भड़ास निकाली। 30 में 30। फाइनली लोगों को पता चल जाएगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। आज सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज हुई फिल्म बाहुबली, जो बना सकती है एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड। बाहुबली की एडवांस टिकट बुकिंग ने कर दिया है थिएटर्स को हाउसफुल। आज से पहले किसी फिल्म की एडवांस टिकट बुकिंग इस तरह से नहीं हुई है, जिसे देख कर ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म कई रिकॉर्ड्स बना सकती है। 30 में 30। कटरीना सालों बाद सलमान के साथ काम करके काफी खुश हैं, और इसीलिए आजकल वो सलमान की तारीफ करते हुए नहीं थक रही हैं। कटरीना से जब सलमान के साथ काम करने को लेकर पूछा गया तो शी सेड, आई हैव नोन सलमान फॉर सो मेनी इयर्स नाउ, आफ्टर शूटिंग विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम यू मिस हिज फ्लैम्बॉयंस एंड हिज फन साइड, ही हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैम्बॉयंस, ही हैज अ वे ऑफ लिविंग लाइफ वेयर अ ग्रेट एनर्जी बजेस अराउंड हिम, इट कम्स एज अ फोर्स एंड फ्लड व्हेन यू कम बैक टू द सेट विद हिम, ही हैज एन अमेजिंग ऑरा एंड वार्मथ अराउंड हिम। 30 में 30। वेटरन एक्टर विनोद खन्ना की डेथ की वजह से करण जौहर ने कैंसिल किया बाहुबली का प्रीमियर। विनोद खन्ना की डेथ की न्यूज सुनकर करण जौहर ने किया ये ट्वीट, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू आर बिलव्ड विनोद खन्ना, द एंटायर टीम ऑफ बाहुबली हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द प्रीमियर टुनाइट। 30 में 30। फिल्म बाहुबली 2 की पूरी टीम पहुंची इस फिल्म को दुबई में प्रमोट करने, और यहां इस फिल्म की स्टार कास्ट को ऑडियंस का मिला जबरदस्त रिस्पांस। सोर्सेस की माने तो दुबई में ऑलरेडी ये फिल्म रिलीज के दिन से ही हाउसफुल चल रही है। 30 में 30। जॉन, ऋतिक, रणवीर, ये सब हैं दिशा के लिए टाइगर के सामने फेल। एक रीसेंट इंटरव्यू के दौरान जब दिशा को पूछा गया कि उन्हें बॉलीवुड में किसकी बॉडी लगती है सबसे अच्छी, तो उन्होंने लिया टाइगर का नाम। 30 में 30। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने सोशल हैंडल पर लिखा अपनी लेट मदर की याद में एक इमोशनल मैसेज, माँ, As long as you were, I was. Now in just your memories, I come alive. Like a shadow, just a flicker. Time doesn't move here. It's beautiful, it's forever. Sushant isse pehle bhi apni maa ki yaad mein emotional messages likhte rahe hain. 30 mein 30. शिल्पा शेट्टी और उनके हस्बैंड राज कुंद्रा के अगेंस्ट चीटिंग के एक मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो कुछ लोगों ने एलिगेशन लगाया है कि राज की कंपनी बेस्ट डील टीवी ने उन्हें ठगा है। इस मामले में अब तक शिल्पा या राज की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है।